ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की 5 बड़ी खबरें आपको। मुमरा के कौसा पेट्रोल पंप के बगल में नूरानी टावर है, जिसमें अंबर होटल भी है। इसमें ABC 3 इमारतें हैं। इसको ठाणे महानगर पालिका ने तत्काल तीनों इमारतों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं। पहले इमारत को खाली करें, फिर रिपेयर करें। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं नूरानी टावर की, जो काफ़ी डेंजर है। ये इमारत बेहद ही जर्जर हो चुकी है। ये इमारत इतनी ख़तरनाक है कि कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। इसलिए ठाणे महानगर पालिका ने इन तीनों इमारतों को नोटिस जारी किया है और तीनों को 24 घंटे के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि पहले भी ठाणे महानगर पालिका ने इस इमारतों को नोटिस जारी किया था, लेकिन खाली नहीं किया गया था। लेकिन अब दोबारा एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है और 24 घंटे के अंदर इन इमारतों को खाली करने के निर्देश। आज मुमरा पुलिस स्टेशन में इफ्तार का आयोजन किया गया था। पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर, सह आयुक्त मधुकर पांडे इस इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा आमदार जितेंद्र अवार्ड भी शामिल थे। इसके अलावा ACP रमेश धुमाल, डॉक्टर स्वामी, DCP SS बोरसे और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड, इनके अलावा और भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कमिश्नर, सह कमिश्नर और कई लोगों को साल उड़ाकर सम्मान भी दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने दुआ मांगी और इफ्तार भी की। देश में एक बार फिर BJP की वापसी के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। जीत की खबर सामने आते ही मुमरा में भी BJP कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। श्रीकांत शिंदे जो जीत के आए हैं, विकास के ऊपर जीत के आए और उनके काम के ऊपर जीत के आए, ना कि खाली लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो श्रीकांत शिंदे का काम आज बोल रहे काम, और जो हम लोग का टारगेट था वो टारगेट पूरा हुआ। जितने लोगों ने आवाज़ उठाई उनको एक तमाशा मिला हुआ है। अगली बार आवाज़ उठाने से पहले 10 बार सोचे और 10 बार सोच के बोले। मुझे लगता है बोलने की भी ज़रूरत नहीं, खुद ही संभल गए हैं। जो उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हो या जहाँ के भी उनके अध्यक्ष हो, वो बच नहीं पाए हैं। उन लोग का क्या होगा जो भी आवाज़ उठाए, उनको अच्छे से पता है। तो आज जितने लोगों ने वोट किया है उनको सबको धन्यवाद। सब रीता मैडम, जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ चौकीदार चोर है कहा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसी चौकीदार को फिर एक बार चुनकर लाया गया है। ये पानी चोर ने कहा था बराबर ना, क्या चौकीदारों के बारे में? तो मैंने भी कहा था कि मैं सिपाही हूँ, ऐसे हम लोग भी चौकीदार के सिपाही बैठे हैं और कर रहे हैं। तो रिजल्ट दे दिया जनता ने, क्या कौन चोर है, और वो बता दिया है कि
क्या हमारे चौकीदार क्या है और क्या कर सकते हैं, कितने सीटों से जीत के आएंगे और अगली बार वो सीट भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें याद करना कम करिए और अपने काम को बढ़ाइए या हमारे सीट गिनने को तैयार। भाजपा शिवसेना ने महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में 41 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को एक और रंकपा को 4 सीट पर जीत मिली है। कल्याण लोकसभा से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने जीत दर्ज की है। श्रीकांत शिंदे ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी एनसीपी के प्रत्याशी बाबाजी पाटिल को 3,44,343 वोटों से शिकस्त दी है। अभी जनता को डॉक्टर साहब और मेरी तरफ से और शिंदे फैमिली की तरफ से शुक्रिया, क्योंकि आज उनका प्यार है और उन्होंने डॉक्टर साहब को इतने वोटिंग से लाया है। अभी भी वोटिंग का ये काउंटिंग तो चालू ही है, अभी तक तो बाहर निकला नहीं कि कितना मिला है, बट ये सब क्या है जनता। वहीं MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से जीत दर्ज कराई है, तो इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से। इस लोकसभा चुनाव में जीत होने पर मुंब्रा में भी MIM कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने दलित भाइयों को OBC SC ST के जो वंचित भाई, उन सबको साथ में लिया और लेके औरंगाबाद के अंदर एक सीट हमने लड़ाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MIM ने 100% रिजल्ट हासिल किया और हमारी वो सीट जो है वहाँ के मुसलमानों की कोशिशों से, उनके वोटों से, वहाँ के दलित भाइयों के, SC ST OBC के भाइयों से आज वो सीट हमारी मतलब जीती है। हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं औरंगाबाद के लोगों की जीत है, ये कहीं ना कहीं दलित और मुसलमानों की जीत है, और सबसे बढ़कर हबीब मिल्लत हमारे कायद मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब जो है, ये उनकी जीत है, उनकी क़यादत है, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के महाराष्ट्र के मुसलमानों ने पूरा एतमाद किया, भरोसा किया और महाराष्ट्र के अंदर बताया कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान MP भी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।